बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा पाँचवीं गणित में अध्याय दो संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। पूर्व के भागों तक बच्चों हमने जोड़ों तक का सवाल हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे संख्या घटाना। तो चलिए देखेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं घटाओ। पहला इसमें दिया हुआ है 80,780 में से 59,726। दूसरी संख्या है 73,405 में से 68,349। तीसरा प्रश्न है 47,895 में से 4,236। फिर 78,354 में से 23,562। और पांचवा प्रश्न है बच्चों 53,817 में से 31,405। तो चलिए घटाते हैं। और कैसे घटाते हैं बच्चों, आप पूर्व के भागों में पूर्व की क्लासों में अच्छे से पढ़ लिया है, चौथी में भी आपने देखा है, तीसरी में भी आपने पढ़ा है। चलिए फिर भी आपको घटाते हैं और घटा के बताते हैं। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, आप देख पा रहे हैं पहला 80,780 में हमको घटाना है। ये देखना बच्चों पहला सवाल 59,726, 59,726 को इस तरह से हमको घटाना है, लिख लेंगे आप। अब चूंकि शून्य में छः को घटाना संभव नहीं है, इसलिए हम शून्य को 10 मान लेंगे और 10 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 4। जो उधार हमने लिया था उसे हम दे देंगे, 8 में से 3 घटा देंगे अब बच जाएगा 5। 7 में से 7 घटाइए बच्चों, कुछ नहीं बचेगा तो शून्य लिखेंगे। शून्य में 9 घटाना संभव नहीं है, इसलिए हम शून्य को 10 मान लेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा। और चूंकि हमने उधार लिया था 8 से, इसे इसको हम उधार वापस कर देंगे। अब 8 में से 5 की जगह 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 2, अर्थात 21,054 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो इस तरह से हम घटाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा। इसी में दूसरा लिखा हुआ है 73,405, इसमें हमको घटाना है 73,405 में 68,349 को, 68,349 को घटाना है। चलिए घटाते हैं भाई, घटाने का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, इसलिए 5 को 15 मानना पड़ेगा, 15 में से 9 घटाइए, 9 6 15 हासिल 1। 10 में से 5 घटाएंगे हासिल मिलाकर, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा हासिल 1। 4 में से हासिल मिलाकर 4 घटाएंगे तो शून्य बचेगा बच्चों। 13 में से 8 घटाएंगे, 8 5 13 होता है, 5 बचेगा। 7 में से 7 हासिल मिलाकर 7 घटाएंगे तो शून्य बचेगा। इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 5056, 5056 ये हमारा हो जाएगा बच्चों उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी में देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा में दिया हुआ है 47,895, 47,895 इसमें हमको घटाना है 4,236, 4,236। इसमें भी ध्यान रखेंगे बच्चों, घटाते समय भी इकाई की तरफ से संख्याओं को बराबर लिखना है, एक सीध में लिखना है। 5 में से 6 तो घटेगा नहीं तो 15, 15 में 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा बच्चों हासिल 1। 9 में से हासिल मिलाकर 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 5। 8 में से 2 घटाएंगे बचेगा 6। 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, इसी प्रकार 4 का 4, क्योंकि उसके नीचे कोई संख्या नहीं है। 43,659 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें चौथा सवाल देखेंगे हम। चौथा सवाल, चौथा में दिया है 78,354 में घटाना है 23,562 को, ये इस तरह से हम लिख लेंगे बच्चों। इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। 4 में से 2 घटाइए 2 बचेगा, 5 के माने 15 में से 6 घटाएंगे 9 हासिल 1। 13 में से 6 गया हासिल मिलाकर 7 बचेगा। 8 में से 3 घटाएंगे, अब ये 13 माने तो बच्चों को हासिल देना पड़ेगा, 8 में से हासिल मिलाकर 4 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 54,792 ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है इसमें, पांचवा प्रश्न है 53,817, 53,817 इसमें हम घटाएंगे 31,405 को, इस तरह से घटाएंगे। तो कैसे, 7 में से 5 घटा दीजिए 2 बचेगा, 1 में से 0 घटाइए 1, 8 में से 4 घटाइए 4, 3 में से 1 घटा दीजिए 2, 5 में से 3 घटाइए 2, 22,412 ये इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों को बच्चों। अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न है जोड़ना है आपको, धन का चिन्ह लगा हुआ तो जोड़ना है। 5, 3, 8, 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा। 7 और 3 10 होता है बच्चों, 10 का 0 हासिल 1,
आठ तीन ग्यारह, हासिल एक जोड़ देंगे बारह का दो, हासिल एक, सात छः तेरह और हासिल जोड़ दीजिए चौदह, हासिल एक, दो और एक तीन। तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 3,42,098। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 3,42,098। तो इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है इसी में दूसरा, सात और शून्य जोड़ दीजिए, सात, शून्य और छः जोड़ने से हमको मिलेगा छः, शून्य और आठ जोड़ने से मिल जाएगा बच्चों आठ, पाँच और तीन जोड़ेंगे छः सात आठ, सात और पाँच जोड़ देंगे पाँच और सात बारह का दो, हासिल एक, फिर इस एक के साथ हासिल को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा दो। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा दो दो आठ आठ छः सात। अगला है सात और छः तेरह का तीन, हासिल एक, चार दो छः और हासिल एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये सात, छः पाँच ग्यारह का एक, हासिल एक, पाँच तीन आठ और एक हासिल जोड़ देंगे तो नौ, आठ तीन ग्यारह का एक, हासिल एक, सात दो नौ और एक जोड़ देंगे दस, हासिल एक, छः तीन नौ और एक दस। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा एक शून्य शून्य एक नौ एक सात तीन। तो इस तरह से इसको भी आप जोड़ देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नौ पाँच चौदह का चार, हासिल एक, पाँच और एक छः, पाँच और दो सात, चार तीन सात, नौ नौ अठारह का आठ, हासिल एक, नौ पाँच चौदह और एक पंद्रह। ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है इसमें सात और शून्य जोड़ देंगे सात प्राप्त हो जाएगा, दो और शून्य जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा दो, छः और शून्य जोड़ने से मिल जाएगा बच्चों छः, सात और चार ग्यारह का एक, हासिल एक, नौ दो ग्यारह और हासिल एक जोड़ देंगे तो बारह, बारह का दो, हासिल एक, शून्य और एक होगा एक, छः का छः। ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा छः एक दो एक छः दो सात। अगला है इस पर इसको जोड़ते हैं। चलिए यहाँ भी धन का चिन्ह लगा हुआ है, इसे जोड़ देंगे, दो और एक हो जाएगा बच्चों तीन, चार और एक हो जाएगा पाँच, आठ और एक हो जाएगा नौ, चार तीन सात, नौ आठ सत्रह का सात, हासिल एक, एक और एक हो जाएगा दो और ये नौ का नौ। ये इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छः और चार जोड़ दीजिए, छः चार दस का शून्य, हासिल एक, एक और शून्य जोड़ेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, नौ चार तेरह का तीन, हासिल एक, तीन और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा चार, सात का सात, दो का दो और छः का छः। तो इस तरह से हमको आंसर मिल जाएगा बच्चों छः दो सात चार तीन एक शून्य। अगला है देखेंगे आप नौ तीन बारह का दो, हासिल एक, आठ और एक नौ, एक और आठ नौ होता है, आठ एक नौ और हासिल एक जोड़ देंगे दस, हासिल एक, तीन तीन छः और एक हो जाएगा सात, दो का दो, नौ का नौ और यहाँ पर आठ का आठ। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा आठ नौ दो सात शून्य और दो। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज के क्लास में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।